हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रियन स्पेशल रेसिपी पूरन पोली। पूरन पोली महाराष्ट्र में बहुत सारे फेस्टिवल में बनाई जाती है और ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। तो पूरन पोली बनाने के लिए हमने लिया है, ये मैंने इसी कप से मेजर करके लिया है, हाफ कप हमने चना दाल लिया है। ये मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है 3-4 बार। अभी मैं इसमें 3 कप पानी डालती हूँ। हमें इसे बॉईल करना है, तो 3 कप पानी डाल के मैं इसे 4-5 विसल आने तक बॉईल करूँगी। आइए फ्रेंड्स, अभी हम पूरन पोली बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। ये मैंने 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा लिया है, जिसमें हम ये 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 2 टीस्पून हम घी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका आटा लगा लेंगे। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा आटा लग चुका है। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने को रखेंगे। ये मैं थोड़ा सा घी का हाथ उसको लगा के उसको रेस्ट करने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चना दाल को 5 विसल लिए हैं। अब हम ये चना दाल में का जो पानी है उसे निकाल लेते हैं। इसमें का पूरा पानी हमें निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चना दाल छाननी में डाल के उसमें का पानी निकाल लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में डालते हैं और जितना हमने चना दाल लिया था उतना ही हमने शुगर लिया है। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हो, आप इसमें शुगर और गुड़ ऐसा आधा आधा भी डाल सकते हो, जैसे आपको पसंद है वैसा आप इसमें डाल सकते हो। गैस की फ्लेम लो रखनी है और शुगर मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने शक्कर और दाल बॉइल्ड होने को डाली थी वो अभी बॉइल्ड हो चुके हैं। इसका पानी थोड़ा ही बाकी है अभी, तो इसके पहले हम इसमें पिंच ऑफ नमक डालेंगे, ये छोटा चमचा हम हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और एकदम थोड़ा मैं इसमें नटमेग का पाउडर डाल रही हूँ, जो मैं ताज़ा इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा ही डालना है नटमेग का पाउडर और इसे वापस से अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर अभी पूरी तरह से सूख गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हमें इसे मिक्सी में से निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, पूरी तरह से ठंडा नहीं किया है हमने इसे। अब हम इसे मिक्सी में से बारीक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चना दाल का स्टफिंग पूरन बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और जो आटा हमने लगाया था उसको मसल लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालती हूँ और इसे अच्छे से मसल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आटे की लोइयां निकाल ली है। जितना आटा हमने लगाया था इसमें ये 5-6 पोलियां बना सकते हैं। तो ये आटे को मैं अच्छे से रोल कर लेती हूँ। चकले और बेलन दोनों को हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ये हमने रोटी बना ली है छोटी साइज की पूरी। अब हम इसमें ये पूरन का जो हमने स्टफिंग बनाया है वो इसमें स्टफ करेंगे, इसलिए हमने भी थोड़ा ज़्यादा ही पूरन लिया है। अभी ये इस तरह से हम सभी साइड से इसे अच्छे से ऊपर लाके ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरन को अच्छे से स्टफ कर लिया है। अब हम इसकी पोली बेलेंगे।
पोली बेलने के लिए थोड़े सॉफ्ट हैंड से इसे हमें ये करना है। और अगर आप उठा के नहीं कर सकते हैं तो आप चकले को ही हिलाइए ताकि पूरन पोली हमारी टूटे नहीं। या आप इसे उठा के भी बेल सकते हो, पर उठाने के बाद पोली की टूटने के चांसेस रहते हैं। ये पूरन पोली अब हम उठाएंगे। थोड़ा सा हमने गैस की फ्लेम ऑन कर ली है और इसके ऊपर तवा रख लिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये पूरन पोली डालेंगे। ये हमने पूरन पोली को फ्लिप कर लिया है दूसरी साइड से। अब हम इसे सेकेंगे। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और इसे दोनों साइड से अच्छे से सेकेंगे। इसके ऊपर जब तक गोल्डन स्पॉट नहीं आ जाते तब तक हम इसे सेकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरन पोली बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। आपको चाहिए तो आप और भी घी डाल सकते हैं इसके ऊपर। इस तरह से हम सभी पूरन पोली बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये और एक पूरन पोली हमने तवे पे डाली है। इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी आपको पसंद है तो ज्यादा भी लगा सकते हो। इससे पूरन पोली का टेस्ट और भी अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूरन पोली बहुत ही अच्छी बनी है। इसे मैं इस तरह से टर्न कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारी पूरन पोली बन गई है। मैं अभी इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूरन पोली बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। पूरन पोली को हम घी के साथ खा सकते हैं। घी बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।